101 कुकिंग और फन जानी 101 कुकिंग और फन खाना पकाएंगे गाना सुनाएंगे रोजाना आपको हम जानी 101 कुकिंग और फन जानी 101 कुकिंग और फन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सॉलिन ऑनिंग और आप देख रहे हैं शानी 101 कुकिंग और फन। आपने सोचा होगा कि इतना अच्छा स्पार्क नाम आपने कहाँ से सोचा, तो ये नाम सोचा है शहजाद शानी साहब ने कि हम कुकिंग तो करते ही करते हैं, क्यों ना हम उसमें फन करें। फन का मतलब ये कि भाई समटाइम हम कुकिंग करते करते सिंगिंग कर लिया करें, गुनगुना लिया करें, कुछ हंसी मजाक कर लिया करें। इस तरह जब आप हंसते मुस्कुराते कुकिंग करते हैं तो खाना भी बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत ही अच्छा और डिलीशियस बनता है और आपका टाइम भी पास हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि आप खाना बना रहे हो। और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आज के आज आज का शो देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, एक सेकंड के लिए भी मिस नहीं करना है आपने, क्योंकि शो के मिड में आपको बहुत ज़बरदस्त एक टिप मैं बताने वाली हूँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपके बहुत सारे बहुत ज़्यादा फवायद आपको मिलेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम शानी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, खैरियत ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, तो क्या आज नाज़रीन के लिए क्या पेश किया जा रहा है? आज हम बना रहे हैं चिकन कॉर्न सूप। ओके जनाब, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, चिकन है, कॉर्न, बटर, एग, इसमें सिर्फ वाइट एग लेंगे, रेड चिल्ली, सोया सॉस, चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड विनेगर, और ये आ गया कॉर्न फ्लावर, वाइट एग वाइट। हमने चिकन को बॉईल कर लिया था, इसकी श्रेडिड करके हमने निकाल ली चिकन। ओके, ये हमारा जो है जूस है ये तैयार है, उसका हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ यखनी हमने बना ली थी, अब हर इंसान का बनाने का अपना तरीका, मैं इस तरीके से बनाता हूँ, इसमें थोड़ा मेहनत होता है, सर डिलीशियस होता है। एंड आई कैन चेक दिस, ओके, थोड़ा सा बटर मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे, ये आ गया बटर मेल्ट। इसको बहुत ज्यादा पकाना जलाना नहीं, जलाने की जरूरत नहीं, ये तो ऑलरेडी एक बन चुकी है, थोड़ा सा सोते करेंगे, साथ ही साथ ये बॉइल किए हुए हमारे कॉर्न है शामिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें हमने यखनी में नमक डाला है, ठीक है, और काली मिर्च भी डाली है, ठीक है, हम थोड़ा सा फ्लेवर इसमें चुटकी भर ज़्यादा शामिल करेंगे इसमें। देखिए आपके हमारा सूप फ्लेवर रेडी हो गया, आप हम उसमें शामिल करेंगे यह वाइट एग, हम इसका शामिल करेंगे एग, जबरदस्त आ गया और अच्छा खुशबू भी आ रही है, खुशबू भी आ रही है और बेहतरीन हो गया ये, ठीक है। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद, अच्छे खासे अकलमंद हो ये तो जवाब नहीं मेरे सवाल का, लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो, बनाते रहिए तो शुक्रिया। मुझे भाभी के लिए पता नहीं, जो भी अच्छा लगे, जो भी सुंदर समझे उसी के लिए, ये सूप माशाल्लाह माशाल्लाह हो गया, अगर आपने टेस्ट करना है मुझे अपना एक बोल दे दीजिए, एक यू वांट एक टू मच टू मच, ओके आई विल कट सूप। क्या बात है, माय माउथ इज वाटरिंग नाउ। ऑलराइट ऑलराइट, और ये देखिए, अच्छा ये सर्विंग के लिए आपको ये हॉट सॉस मैं आपको उठा देता हूँ, आप
टेस्ट के मुताबिक उसको डाल दीजिए। आपको गाना ठीक है, आप गाना सुनाए, गाने के साथ साथ हम यहाँ पर वाइंड अप भी करेंगे और आपको मैं बताऊंगी कि इसका टेस्ट कितना सुपर डुपर है। ऑलराइट ऑलराइट। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा। Oh my God, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारे, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया ठाकर। आप अपने घर पे जरूर एंजॉय करना, यहाँ पर दीजिएगा मुझे और शेफ शानी साहब को इजाजत, और जरूर बनाएगा अपने घर पे ये रेसिपी, क्योंकि कॉर्न सूप, चिकन कॉर्न सूप, ये तो कहते हैं कि सर्दियों की सौगात, इसका नाम ही रखते सर्दियों की सौगात। आप देखना ना भूलें शानी 101 कुकिंग और फन। इसके बाद जब ये शो अपलोड होगा तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि कॉमिक्स में आपने बताना है कि आपने भी इसी तरह से एंजॉय किया है, पकाया है, खाया है, अभी के भी ये मैं पूरी खाऊंगी। तो पूरी का पूरा शो आपने देखना है, यहाँ पर दीजिएगा मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।